नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश तस्मय श्री गुरुवे नमा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम स्वानी। शिक्षक दिवस के मौके पर रायपुर राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम मौजूद रहे। शिक्षक सम्मान समारोह में 48 शिक्षकों का सम्मान किया गया। इनमें से 44 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार भेंट किए गए। वहीं बेहतर कार्यों के लिए 8 उत्कृष्ट शालाओं को भी पुरस्कृत किया गया। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार 2018 के लिए चयनित 44 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अगले साल शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित सम्मान समारोह में पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों के नामों को भी घोषणा की है। अगले साल भी 48 शिक्षकों का इसी तरह सम्मान किया जाएगा। रायपुर के राजभवन में 44 शिक्षकों के साथ ही 4 शिक्षकों का सम्मान किया गया, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 48 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। 8 उत्कृष्ट शालाओं को पुरस्कार दिया गया है। 44 शिक्षकों को 21,000 रुपए की राशि दी गई है। साथ ही बाकी शिक्षकों को 50,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, राज्यपाल अनुसुईया उइके, साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। वहीं शिक्षक दिवस पर बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं सम्मानित शिक्षक मंजरी जैन, स्मृति दुबे हैं और विजय शर्मा हैं। चर्चा शुरू करने से पहले गुरुजनों का संक्षिप्त परिचय आपको दे दें। मंजरी जैन गोल्ड पारा शासकीय हाई स्कूल अभनपुर में पदस्थ हैं। आपने तीन वर्षों के भीतर सरकारी स्कूल में शिक्षा के गिरते स्तर को 50% से ऊपर उठाकर 90% तक पहुंचाने का काम किया है। बच्चों को संगीत की शिक्षा से जोड़ने का भी आपका सराहनीय योगदान इसमें रहा है। आपने विभिन्न नवाचारों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ने की रुचि को बनाए रखा। इसके साथ ही स्पोकन इंग्लिश, पर्यावरण के प्रति जागरूकता जैसे कई कार्यों से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास भी आपने किया है। साथ ही स्मृति दुबे के बारे में आपको बता दें, इन्होंने शासकीय हाई स्कूल अमलेश्वर में पदस्थ हैं। ये आप विज्ञान विषय पढ़ाती हैं। अपने विज्ञान जैसे कठिन विषयों को विभिन्न नवाचारों के माध्यम से सहज सरल बनाकर छात्रों को इससे जोड़ने का काम किया है। विज्ञान में मेहंदी और रंगोली को डिजाइन को जोड़कर नए तरीके से पढ़ाने के लिए आप अपने क्षेत्र में एक प्रयोगवादी शिक्षिका के तौर पर मशहूर हैं, आप जानी जाती हैं। आप आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की भी मदद करती हैं। डिजिटल एजुकेशन पर भी आपने स्कूल में जोर दिया। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए छात्रों को जागरूक आप करती रहती हैं। अब बात करते हैं विजय शर्मा जी के बारे में। सर, आप शासकीय स्कूल कामपुर में आप पदस्थ हैं। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आप वनांचल क्षेत्र में बीते 18 वर्षों से अध्यापन करा रहे हैं। इन वर्षों में इस क्षेत्र के 52 व्यक्ति विभिन्न शासकीय सेवक पद चयनित हुए हैं। आपने गांव में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए हैं। शिक्षण के साथ साथ समाज सेवा के कार्य भी आप हमेशा अक्सर करते हुए रहते हैं। दुरुस्त अंचल के सरकारी स्कूल को भी आपने शहर के नामी स्कूल के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। आपका इसमें विशिष्ट योगदान रहा है। तो आप तीनों गुरुजनों का आप बहुत बहुत स्वराज एक्सप्रेस के रायपुर स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले मैं चलता हूं मंजरी जैन जी के पास। मंजरी जी, आज का सबसे बड़ा सम्मान आपको मिला है। 48 शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिसमें आप शुमार हैं। कैसा लग रहा है आपको?
आपने कभी सोचा था कि इस तरह का सम्मान आपको राजभवन में मिलेगा, वो भी वहाँ पर महामहिम राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम थे। बिल्कुल कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम वहाँ पर निरंतर कार्य कर रहे थे और ऐसा कभी लग ही नहीं रहा था कि हमें अभी और अपने जो लक्ष्य है उसको और पाना है, ऐसा लग रहा था। और अचानक से जब आया तो बहुत ही खुशी हुई कि हमारे अचीवमेंट को, क्योंकि वो मेरा स्कूल जो है वो इतनी दूर है कि वहाँ पर बहुत पहुँच नहीं होती है, और शिक्षक सारे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो जब ये इसको पुरस्कार मिला तो न केवल स्कूल बल्कि समाज और टीचर्स और वहाँ के बच्चे बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं कि हमारे स्कूल को एक पहचान मिली है और जो मेहनत हम कर रहे हैं वो शायद अपना साकार रूप लेने जा रही है। ठीक है, विजय शर्मा जी कैसा फील कर रहे हैं सर आप? आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं उन बच्चों के साथ जिनके साथ मैंने काम किया जी, और एक छोटा छोटा जो काम होता है वो यहाँ तक पहुँचा दिया। ये तो कल्पना भी नहीं किए थे कि हम यहाँ राज्यपाल पुरस्कार के लिए यहाँ बैठ करके आज डिबेट करेंगे, जो अवसर हमारे बच्चों ने दिया। निश्चित रूप से तो आपकी मेहनत का रंग है जिसके चलते आप स्वराज एक्सप्रेस के मंच पर हैं, राजभवन में भी आपको आज सम्मानित किया गया। आपसे जानना चाहेंगे, वनांचल में सर आप जाके पढ़ाते थे, वनांचल के क्षेत्रों में जाके आप पढ़ाते थे, काफी शिक्षक डरते हैं वहां जाने से क्योंकि वहां पर अक्सर जानवरों का खतरा मंडराता रहता है, विकास से कोसों दूर रहता है। आप वनांचल में जाके बच्चों को शिक्षित करते थे जिसके चलते आज आपको सम्मान मिला है, कितना कठिन रहता था या कितनी सरलता सुगमता आपको महसूस होती थी इस दौरान? जहाँ मैं अध्यापन करता था वहाँ भालुओं का डर रहता था, और उस समय निर्मल ग्राम जब योजना चली शौचालय बनाने की, उस समय उन जंगली जानवरों से बचाने के लिए घर घर जो शौचालय तैयार हुआ, आज जो शौचालय अभी तैयार हुआ है स्वच्छ भारत मिशन में, ये 2006 में कंप्लीट हो गया था उस गांव में, गरवा और घुरवा और जो शौचालय है इस दोनों का काम हो गया था वहाँ के प्रयास में। तो ये अद्भुत उपलब्धि रही है। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ बकरी चराने वाले बच्चे थे और जो ड्रॉप आउट बच्चे थे उनके साथ में काम करना एक चुनौती रहा, और उनके साथ में मिलकर के जो शैक्षिक गतिविधियां हैं जिसमें मिलकर के मित्रवत व्यवहार करके जो काम करने की प्रक्रिया है, वो उससे इतने प्रभावित हुए बातों से कि आज 250 उस समय ग्राम की आबादी थी, आज तकरीबन 350 के आसपास होगी। वहाँ उस छोटे से ग्राम में आज प्रत्येक घर में एक शासकीय सेवक है, तो ये मेरे लिए उपलब्धि है। और उन बच्चों को आज मैं देखता हूँ तो, और बच्चे मुझे देखते हैं तो हम दोनों भाव विभोर हो जाते हैं कि ऐसा अवसर मिलता है। निश्चित रूप से ऐसे काम करने का जो अवसर है वो जी। और इसी बीच कुछ बच्चों को जैसे विज्ञान में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मैं मार्गदर्शक की भूमिका में काम कर पाया, जिसके कारण मेरे दो बच्चे राष्ट्रीय स्तर में जाकर के भाग लिए, इसकी भी खुशी होती है। पिछले वर्ष एक मकड़ी पालन विषय पर पद्मनी को भुवनेश्वर जाने का अवसर मिला था। साक्षरता के क्षेत्र में भी एक उपलब्धि ये रही कि एक 60 वर्षीय जो महिला थी उस समय जब चला था 2005 में, तो उस समय में पांचवी की परीक्षा जब दिलाई वो, तो उसके घर में जाकर के क्लास लगाए थे। तो परीक्षा दिलाने के समय में बड़ा अद्भुत लगता था कि दरअसल में एक बुजुर्ग महिला को परीक्षा केंद्र 5 किलोमीटर दूर ले जाना है, और वो भी बाड़ी के पीछे हिस्से से जाती थी इसलिए कि गाँव वाले कुछ बोले मत करके, और उसने एक उपलब्धि हासिल की। उसी प्रकार शिव कुमारी करके है एक 68 वर्षीय महिला, उसने भी पांचवी की परीक्षा साक्षरता के माध्यम से उसने हासिल की। तो ये बड़ा आनंददायक रहता है बीच में काम करने से, समुदाय के बीच में। आपने बेहद सराहनीय काम अपने जीवन में किए हैं विजय जी, हम ही नहीं पूरा देश आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। स्मृति जी का रुख कर लेता हूँ। स्मृति जी, राजभवन में आपको आज पुरस्कृत किया गया है, आपको पुरस्कार से नवाजा गया है, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां थी, राज्यपाल महोदया मौजूद थी, प्रेम साय सिंह टेकाम, स्कूली शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कभी सोचा था कि आपने जो लीक से हटकर काम किया है उसका पुरस्कार आपको कभी भविष्य में मिलेगा?
क्षमा कीजिएगा सर, मुझे संभाग स्तरीय पुरस्कार मिला है और माननीय श्री अमृतधर साहू जी के द्वारा और कमिश्नर जी के द्वारा मुझे पुरस्कार मिला है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के पुरस्कार की मैं रहूंगी हकदार, क्योंकि सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे बच्चे रोज मुझे देते हैं। उनके मन से जो मैं अंधविश्वास है और आत्मविश्वास इन दोनों के बीच का जो खाई है, ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, मजदूरों के बच्चे होते हैं और उनमें बहुत सारे अंधविश्वास जो गांव में फैलाए जाते हैं, अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो झाड़ फूंक ये सब, तो मैं एक विज्ञान शिक्षिका होने के नाते ये चाहती हूँ कि ये सब से बच्चे दूर रहें और बच्चे जाने कि नहीं, आज का युग विज्ञान का युग है और हम वो जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको रद्द करें और एक नया भारत का निर्माण करें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी करने जाते हैं तो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से तो बच्चे नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम जो साधन है, कम संसाधन है, उसमें बच्चों को बहुत अच्छे तरह से विज्ञान जो कठिन विषय है गणित विज्ञान और अंग्रेजी, उसको अच्छे बेहतर तरीके से उनके सामने प्रस्तुत किया जाए और साथ ही उसमें रुचि और सृजनशीलता का भी विकास हो। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें जैसे मेहंदी है, मिट्टी है, मिट्टी जो आसानी से प्राप्त संसाधन है तो मिट्टी से पाचन तंत्र बनाना तो बच्चा बड़ा रुचि से भी करता है और बच्चे में सृजनशीलता का भी विकास होता है और साथ ही साथ मुझे भी आत्मसंतुष्टि होती कि हाँ मेरा बच्चा कुछ कर रहा है। निश्चित रूप से मंजरी जी, आपके बारे में हमें जानकारी ये मिली है कि आपने बच्चों का स्तर 50% से ऊपर उठाकर 90% तक पहुँचाया है। कितना कठिन होता था ये काम, किस तरह के स्टूडेंट्स का आपको सामना करना पड़ा और कितनी मेहनत आपने की जो आपने बच्चों का स्तर सीधा 50 से उठाकर 90 तक कर दिया? जी, वहाँ पर जब मैं गई थी तो मुझे 3 चुनौतियाँ स्पष्ट रूप से दिख रही थी कि बच्चे एक तो विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों में बहुत ज्यादा डरते थे बच्चे उस विषयों से, और दूसरी कमजोरी ये थी कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो उनका ग्रामीण अंचल था तो बच्चों के पेरेंट्स की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बच्चों को सिर्फ प्रवेश दिलाने आते थे और उसके बाद उनकी TC लेने आते थे। और तीसरी चुनौती ये थी कि उनका बच्चों का मन जो है वो स्कूल में लगता नहीं था, भागते थे स्कूल से। तो ये तीनों चुनौतियों को मैंने एक चुनौती के रूप में लिया और उसी को सबसे पहले दूर करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के पालक को उनसे जोड़ने का प्रयास किया क्योंकि उनके बीच में संवाद बिल्कुल भी नहीं होता था। बच्चे घर से स्कूल जाते थे, वहाँ पढ़ाई लेके बैठ गए, फिर TV देखे और फिर खा पी के सो गए। तो जब वो पेरेंट्स के साथ उन्होंने स्कूल में एडमिशन के लिए आए तो सबसे पहले मैंने उनके हाथों में एक पौधा दिया पालक के हाथ में और उनको वहाँ पर स्कूल में रोपित करवाया और फिर उसे बच्चे को गोद में दिलवाया कि ये बच्चा आपके पौधे को गोद में अपने गोद में रखेगा, यानी उसकी देखभाल वो करेगा और फिर आपको इसकी रिपोर्ट उस बच्चे से रोज लेना है कि वो पौधा कैसा है, जीवित है कि नहीं, कितना बढ़ रहा है। तो इस बहाने से दोनों की बातचीत शुरू हुई और बातचीत शुरू होते होते फिर वो चूंकि हम लोगों के संपर्क में भी आते गए टीचर्स के, तो वो धीरे धीरे उनके बीच में पढ़ाई और वहाँ के शाला के लिए भी बातचीत आपस में शुरू हुई और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला कि बच्चे जानने लगे कि हमारे पेरेंट्स हमसे बातचीत करते हैं, स्कूल के विषय में पूछते हैं, पढ़ाई के विषय में पूछते हैं और पौधे के विषय में तो स्पेशली पूछते हैं। तो बहुत ही उसके 2 परिणाम हुए कि परीक्षा परिणाम में तो वृद्धि हुई ही और साथ में हमारे स्कूल में चारों तरफ हरा भरा वातावरण हो गया। आज लगभग 2000 वृक्ष वहाँ पर लगे हैं जिनकी देखभाल बच्चे खुद करते हैं। दूसरी चुनौती मेरे सामने थी कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में बच्चों का भय, तो उसको दूर करने के लिए हमने छोटे छोटे नाटकों का निर्माण किया, स्पोकन इंग्लिश की क्लास लगाई बच्चों से और उनका एक छोटे छोटे ड्रामा के रूप में उसमें विज्ञान के विषय जो रहते हैं उनको, इवन हिंदी के विषय भी हमने छोटे नाटकों के रूप में लेकर उनका मंचन करवाया। तो धीरे धीरे बच्चों के मन से ये हटने लगा कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनका जब मनोरंजन भी होने लगा और उसकी सहायता से वो सीखने भी लगे तो एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा वातावरण वहाँ बन गया है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वहाँ से जाना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी छुट्टी मत कीजिए मैडम, थोड़ी देर और रहने दीजिए, मतलब 4 बजे के बाद भी वो बैठते हैं वहाँ पर और पढ़ने का प्रयास करते हैं। और तीसरी जो चुनौती मेरे पास थी कि बच्चे वहाँ पर स्कूल जो आना नहीं चाहते थे तो ऐसा वातावरण जो मिला है उसके कारण अब 100% उपस्थिति रहती है बच्चों की। बच्चे इवन तीजा पोला जैसे त्योहारों में भी अपनी मम्मी के साथ नहीं जाना चाहते, वो ये कहते हैं कि हम यहाँ स्कूल में हमें ज्यादा मजा आता है। सभी टीचर्स से मैंने ये देखा
कि बच्चों और टीचर्स के बीच में भी एक गैप रहता है। टीचर्स अपने लेवल पे जाके पढ़ाते हैं बच्चों को, वो ये नहीं देख पाते थे कि बच्चे उस न्यूनतम अधिकार स्तर तक पहुंचे हैं कि नहीं। तो इसके लिए फिर हमने एक प्री टेस्ट लिया और देखा कि बच्चे जो उस लेवल तक नहीं है, तो फिर टीचर्स को गाइड किया कि वो उनको अलग कर दिया थोड़े दिन बच्चों को, और उनको ये कहा कि इनको पहले उस विषय को पढ़ाइए जहां तक वो नहीं पहुंचे हैं, उस स्तर तक पढ़ाइए। तो उन्होंने ये जब किया, बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करने लगे हम। और बच्चे जैसे अब मान लो बच्चा यदि जोड़ना नहीं जानता और उसको गुणा तक हम यदि ले जाते हैं नाइन्थ क्लास में, तो वो बच्चा कहाँ तक पहुंचेगा जब उसे जोड़ना ही नहीं आता है। तो ये उनका उपचारात्मक शिक्षण हमने किया और सब विषय में ऐसा किया, तो धीरे धीरे बच्चों की रुचि अपने आप, उनको लगा कि हमें टीचर भी हमारे साथ हमको आगे बढ़ाने में उत्सुक है, तो उनकी एक दोस्ताना रिश्ता हो गया है टीचर्स से और वो अपनी समस्याएं टीचर्स को बताने लग गए हैं। तो ये इसका परिणाम ये हुआ कि तारीफ काबिल काम मंजरी जी आपने किए हैं, अपने अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, नए नए तरीकों से उन्हें पढ़ाना सिखाया, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जिसके चलते अगर जो बच्चा पढ़ने में दिलचस्पी ही नहीं लेता उसे दिलचस्पी आने लगी, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको आपने दूर किया। स्मृति दुबे का रुख करूंगा। स्मृति जी, आप अक्सर इस तरह से जाने जाती हैं कि आप बच्चों की, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी आप मदद करती हैं, विज्ञान विषय पढ़ाती हैं आप, लेकिन विज्ञान विषय के साथ साथ आप मेहंदी, रंगोली इस तरह का ज्ञान भी बच्चों को देती हैं, किस तरह से नई नई डिजाइन बच्चे सीखें। जी सर, साथ ही साथ मैं विज्ञान कविताएं भी रचना करवाती हूँ और करती हूँ सर, क्योंकि हमने देखा है कि बचपन में हम माँ खादी की चादर दे दे, चल रहे मटके टमक, चुल्लय और ताल के साथ हम जो गाए हैं वो, तो अगर आप हम वृद्ध भी हो जाएंगे और कोई हमसे पूछेगा तो हमको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो विज्ञान के जो समीकरण है, विज्ञान की जो कठिन अवधारणाएं हैं, उनको मैं छोटी छोटी कविता के माध्यम से बच्चों के सामने पेश करती हूँ, ताकि बच्चे उसमें पूरी रुचि के साथ उसके तरफ रुख करें। बच्चा रटे मत, जो रटंत विद्या है इससे हटे और बच्चा खुद ही अपने आप हंसते खेलते अच्छे एक माहौल में बच्चा स्वयं सीखे। और साथ ही साथ क्योंकि शहर के से लगा हुआ है और मैं ये महसूस की कि रटंत विद्या फलंत नही, विजय जी का रुख करूंगा। विजय जी, वनांचल में आप जिस तरह से पढ़ाते थे, आपको कहीं ऐसा ही लगा कि आपको भी अपना ट्रांसफर कर लेना चाहिए, क्योंकि और शिक्षक तो वनांचल में अगर उन्हें परस्त कर दिया जाता है तो 6 महीने में 8 महीने अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाना पसंद ही नहीं वहाँ। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको भी अपना ट्रांसफर करा लेना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा तो सोच ये है कि जैसे चुनौतियां आती है ना, वो चुनौती समस्या नहीं होती बल्कि चुनौती है, सफलता की सीढ़ी है। ठीक। और उसी सफलता की सीढ़ी पर काम करने में जो उनके बीच में अपनत्व मिलता है वो, और दूसरे जगह जो शहरी जैसे क्षेत्र हैं उसमें वो अपनत्व नहीं मिल पाएगा। जो अपनत्व हमको गांव में मिलता है, ग्राम्य जीवन में मिलता है, तो उसमें सीखने को बहुत कुछ होता है, पूरा मैदान होता है। तो एक अवसर है, चुनौती नहीं अवसर कहना चाहिए, उस अवसर में हमने ये की। एक मेरे को घटना याद आती है समुदाय को जोड़ने से, एक वृक्ष को हमने जोड़ा, एक मुनगा का पौधा लगाए, उसकी सधौरी किए, जैसे महिलाओं को गर्भवती अवस्था में सधौरी खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं 7 महीने में, तो हमने गांव में मुनगा को सधौरी खिलाया, प्रकृति से जोड़ा, और सधौरी खिलाने के परिणाम स्वरूप सारे गांव वाले जुड़े, और इतना वो हार्ड तक गया, वो साइंस का सब्जेक्ट था जिसमें गांव वाले अपने अपने ढंग से मुनगा की सधौरी के लिए न्योता दिए, तो लेके आए, जैसे मुनगा बाई क्या खाती है तो मुनगा बाई को पनपुरवा खिलाना है, तो गांव की भाषा में पनपुरवा, तो मुनगा कैसे पनपुरवा खाएगी, तो हमने कहा कि भाई ये छेना ले आओ, छेना छेना खाएगी, ताकि दरअसल में गोबर से हमको खाद बनाना था। तो 7 ट्रैक्टर मिट्टी से लड्डू बनाया गया था और उसको सतलरवा बनाए, और प्रत्येक बच्चे को 110 बच्चे हमारे पास थे, 110 बच्चों को एक एक पौधा लगाने का ये कार्यक्रम तैयार किए, जो आज 110 पौधा है आज भी वृक्ष के रूप में आच्छादित हैं। तो ये अद्भुत कार्यक्रम रहा जो 5 TV चैनलों में भी आधा आधा घंटे तक प्रसारित किया गया था उस समय जी। और उससे गांव वालों का जो सहयोग है और जो हमारे विभिन्न विभाग के अधिकारी थे, जैसे डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, उन सारे लोगों ने काम किया उस पर, और एक अच्छा बेस बना।
ऐसे शिक्षकों को विजय जी आप कोई संदेश देना चाहेंगे सुराज एक्सप्रेस के माध्यम से, तो शिक्षक वनांचल क्षेत्रों में नौकरी करना पसंद नहीं करते, या अगर नौकरी लग भी जाती है, उन्हें पदस्थ किया जाता है तो अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए आज आप क्या कहना चाहेंगे, कोई नया संदेश इस मंच से? मैं तो ये कहना चाहूंगा सर कि अवसर आपका प्रतीक्षा कर रहा है जी, और वहां रहेंगे तो आपको अवसर मिलेगा, और हमको ईमानदारी के साथ जो मन में आता है, भाव आता है, उसी के साथ काम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। निश्चित रूप से आपका वक्तव्य एकदम सकारात्मकता से ओतप्रोत है, सकारात्मकता से भरा हुआ है। विजय जी, मंजी जी आपसे जानना ये चाहूंगा, आपको लगता है कि कई ऐसे शिक्षक हैं सरकारी स्कूलों में जो पदस्थ हैं, चाहे किसी भी वनांचल में हो या शहरी क्षेत्रों में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में हो, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत कहीं ना कहीं लगती है, ट्रेनिंग होनी चाहिए शिक्षकों की? ट्रेनिंग तो निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि वो प्रशिक्षण यानी होता ही है विचारों का आदान प्रदान। तो एक दूसरे के जब तक विचारों को हम समझेंगे नहीं, नए विचारों से अवगत नहीं होंगे, तब तक आगे बढ़ना थोड़ा सा रुक जाएंगे हम, हमारी प्रगति रुक जाएगी। क्योंकि आजकल नया जमाना है, बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं गूगल के कारण, तो यदि आप अपने विचारों को, अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे, बच्चों का सामना करना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए शिक्षकों को ट्रेनिंग तो आवश्यक रूप से लेना चाहिए, और दूसरा कि वे जहाँ भी रह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मंजरी जी ये है कि शिक्षकों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी एक पहल की, उन्होंने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, वहाँ उनकी वर्कशॉप कराई गई, उन्हें नए नए तरीके बताए गए कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरह से अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा तो उन्हें कैसे समझाने के नए नए टिप्स दिए जाएं, इस तरह की ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ में भी हो, आप प्रशासन से गुहार लगाएंगे इस तरह की ट्रेनिंग की जानी चाहिए, उससे आपको भी फायदा मिलेगा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का जो रुख है, बच्चों के जो परिजनों का रुख है, वो प्राइवेट स्कूल से हटके सरकारी स्कूलों की तरफ रहेगा। जी, क्योंकि अभी की वो वर्तमान चुनौती यही कहती है कि बच्चे जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, तो इसमें आपको यदि संघर्ष करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है तो उसके साथ साथ नई तकनीकियों से, नए तरीकों से तो अवगत होना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि आपने ट्रेनिंग ले ली है और उसका यूज नहीं कर रहे हैं बच्चों के बीच में, तो सिर्फ उस ट्रेनिंग का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यदि हमने नए तरीके सीखे हैं तो उन्हें जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर अमावस से लड़ने की जिद कर लेता है तो एक जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। तो शिक्षा की वो जुगनू है जो हमारे देश का अंधकार दूर करके पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं, तो निश्चित रूप से ट्रेनिंग वो एक सशक्त माध्यम है सिखाने का। जी, कई अभी ऐसे स्कूल हैं ग्रामीण अंचलों में जहाँ पर शिक्षक पदस्थ नहीं है, अगर शिक्षक हैं भी तो एक या दो शिक्षक हैं, 500-1000 बच्चों का भविष्य एक दो शिक्षकों के भरोसे ही चल रहा है। तो हमने कई बार इस तरह की खबरें सुराज एक्सप्रेस के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी की है, हालांकि उनका असर भी कई बार होता है। तो ऐसे जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों हैं जो ग्रामीण अंचलों में संचालित किए जा रहे हैं, 400-500 बच्चों का भविष्य अधर में लटका है, एक दो शिक्षक ही तैनात हैं, तो सरकार को भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जितने शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है, जितने शिक्षक वहाँ पर भेजे जाएं। प्रशासन से इस तरह की आप बात अपने माध्यम से कहना चाहेंगे, या फिर प्रशासन के लिए स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से कुछ कहना चाहें कि वहाँ पर भी आप बच्चे भेजे, क्योंकि आखिरकार वो भी बच्चे हैं, उनके माता पिता भी आस लगा के बैठे हैं कि वो भी कभी कोई कलेक्टर बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई अन्य विभागों में जाएगा। जी बिल्कुल सर, मैं इस चैनल के माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि जो आरटीई का मापदंड है 35 बच्चों पर एक शिक्षक, तो 35 नहीं तो कम से कम 60 बच्चों पर एक शिक्षक, इसको वो पूर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो केवल हमारे सामने वाले बेंच के बच्चे ही ना सुने, जो लास्ट में बैठा है, आखिरी कोने में जो बैठा है बच्चा, जो 100वें नंबर पर बैठा है, जो 60वें नंबर पर बैठा है, वो भी पूरी तन्मयता से हमारी बात को सुने, क्योंकि अगर पर्याप्त संसाधन है आपके पास तभी आप अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। और किसी भी देश की प्रगति में केवल संसाधन उतना महत्व नहीं रखते जितना वहाँ के बच्चों का चारित्रिक विकास जो है, जो स्कूलों
स्कूल स्तर पर होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश और किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए। तो सरकार को इस तरफ रुख करना चाहिए, सरकार को सबसे पहले शिक्षकों आपको भी कभी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है क्योंकि ग्रामीण आपको भी कभी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा हो सर हमारे कैसे आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया जरा बताएं दर्शकों के लिए। सर बहुत ही कठिन परिस्थिति है ये अपने हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्कूलों में सेटअप अभी भी अधूरा है सर। और सेटअप जो है ऐसे अधिकारियों के माध्यम से हमको सूचना दी जाती है कि सेटअप बढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। जैसे बहुत सारे आरएमएसए स्कूल चल रहे हैं वहाँ संस्कृत के पोस्ट ही नहीं है। अब संस्कृत जो विषय है वो भी तो महत्वपूर्ण है तो इसलिए लैब टेक्नीशियन नहीं है, कोई आना नहीं चाहते, क्लर्क नहीं है, तो बहुत सारे स्कूल हैं। तो हम ही जो एकल शिक्षकी जो स्कूल हैं तो उनको मल्टी डायमेंशनल काम करना पड़ता है बहुत सारे, तो चुनौतियां तो बहुत मिलती है। मंजरी जी आपको भी इस तरह की समस्या का सामना कभी करना पड़ा है क्या? अकेली शिक्षकों स्कूल में और पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अंबार लगा हो और आप घिर गई हो फिर सबके बीच आपने कैसे इन परिस्थितियों को सामान्य करने की कोशिश की, कैसे हैंडल किया? जी जब वो 21 जी उस समय एकल शिक्षक तो नहीं था लेकिन कम थे शिक्षक जी। तो एक दो लोग भी छुट्टी पर रहते थे तो उस समय बहुत दिक्कत होती थी। तो उस समय हम बहुकक्षा शिक्षण करते थे, एक क्लास में पढ़ाकर उनको कुछ वर्क देकर फिर दूसरी क्लास में जाते थे और फिर कुछ बच्चों को वहाँ पर अलग अलग तरीके से एंगेज करते थे। कुछ ग्रुप बना दिए थे अच्छे बच्चों के, जो बच्चे उन बच्चों को लीड करते थे जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं। तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे से बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख रहे थे। तो समस्या तो रहती है लेकिन समाधान भी हमारे पास लेना चाहूंगा विजय जी की। विजय जी ऐसे सरकार को किस तरह की पहल करनी चाहिए जिसके चलते जिन बच्चों का रुख है प्राइवेट स्कूलों की तरफ वो रुख बदल कर उनका सरकारी स्कूलों की तरफ आए, बच्चों को ऐसा लगे, बच्चों के परिजनों को ऐसा लगे कि सरकारी स्कूल में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उनकी शिक्षा की जो परवरिश है वो अच्छे से होगी। मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो टीचर हैं सभी को टेक्निकल रूप से प्रशिक्षित किया जाए जी। दरअसल में शासकीय स्कूलों में संसाधन का अभाव नहीं है, उसका उपयोग का उपभोग नहीं हो पा रहा है। उसके लिए लगातार जो टेक्निकल प्रशिक्षण है और टेक्निकल टूल्स है जो शिक्षण विधियां हैं उसका इस्तेमाल के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया जाए, उन्मुखीकरण किया जाए बार बार, ताकि हमारा जो स्कूल है बेहतर हो और बच्चे समुदाय के साथ शिक्षक समुदाय के साथ मिलें और बच्चों का कल्याण करें। तो इन सब के लिए हमको निश्चित रूप से सरकार को एक नई पहल करनी चाहिए जैसा कि सरकार को सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ बनाना ही होगा। जब ही हर किसी का बच्चा हर वर्ग का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ सके उसका उज्जवल भविष्य बने। आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हम फिर हाजिर होंगे कल किसी और मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।